चेटीपाडू नाम के गांव में यादैया नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी और बच्ची के साथ खुशी से रहता है। उसे अपनी पत्नी से बहुत प्यार है। एक दिन पत्नी से कहने लगा, अरे लच्ची, तुम मेरे मछली पकड़ने जाते वक्त सामने रहो तो मुझे बहुत मछलियाँ मिलती हैं। रोज तो आती हूँ, आज मुझे थोड़ा काम है, तुम काम पर चले जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, तुम ही मेरी लक्ष्मी मैया हो, तुम्हारा चेहरा देख कर ना जाऊं तो मछलियाँ फंसती ही नहीं। अरे पगली, जरा सामने आ जा। इस तरह अपनी पत्नी पर प्यार जताता रहता है। दिन गुजर रहे हैं। यादैया की बेटी बहुत ही होशियार और पढ़ने में तेज है। एक दिन यादैया अपनी बेटी से कहने लगा, पूजी बेटा, तुमको इस सरकारी स्कूल में नहीं बड़े अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाऊंगा। तुम इतनी होशियार हो, तुम्हें तो कलेक्टर बनना चाहिए। ठीक है बापू, तुम जहाँ कहोगे वहीं पढ़ूंगी, बेटी जवाब देती है। इस तरह खुशी से बीतने वाली जिंदगी में अचानक बीमारी से लच्ची की मौत हो जाने से यादैया उधार और गरीबी में डूब जाता है। एक तो उसकी पत्नी की मौत हो गई है, दूसरी तरफ बेटी का ख्याल नहीं रख पा रहा, तो दुखी होकर, बूजी पढ़ाई क्यों छोड़ दोगी, पढ़ने नहीं तो एक समय खाने के लिए ही स्कूल चली जाओ, मैं तुमको खाना भी नहीं दे रहा हूँ ना। बापू, खाने के लिए जाऊँ फिर भी कपड़े तो होने चाहिए, मेरे सारे कपड़े भी फट गए हैं, फटे कपड़े में जाऊंगी तो सब हंसी उड़ाएंगे, बूजी अपनी हालत बताती है। फिर यादैया कुछ नहीं कह पाता। रोज मछली पकड़ने जाने पर भी ठीक से मछली नहीं मिलती, इसलिए उसकी ठीक से कमाई भी नहीं होती। एक दिन बूजी सोचने लगती है, पापू के जाने के बाद मैं भी छोटी नाव लेकर मछली पकड़ने जाऊंगी, पापू की सहायता करूंगी। ऐसा सोचकर एक छोटी नाव लेती है और नई जगह मछली पकड़ने के लिए निकल जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी नाव भंवर में फंसकर चक्कर खाकर जंगल के अंदर एक नदी के किनारे रुक जाती है। तब वो उतरकर घबराते हुए प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान, कितना बड़ा हादसा टल गया, लेकिन अब यहाँ से घर कैसे जाऊं? सोचते हुए जंगल से बाहर जाने का रास्ता खोज रही है। तभी नदी के किनारे एक सुनहरी मछली जाल में फंसकर छटपटा रही है। ये देखकर वो मछली के पास जाकर, अरे बिचारी, शायद जाल में फंस गई है। तब वो जाल को तोड़कर मछली को बाहर निकालती है। मछली उससे कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, दो दिन से जाल में फंसकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, और एक दिन रह जाती तो मर ही गई होती, लेकिन तुम कौन हो, इस जंगल में कैसे पहुंची, अकेली हो या कोई साथ है? ऐसा पूछने पर बूजी अपने जीवन में आए दुखों की बातें बताती है। तब बच्ची की बातें सुनकर मछली नदी में तुरंत छलांग लगाकर वापस आती है और अपना मुंह खोलती है, उसमें से बहुत सारा सोना निकलता है। तब मछली कहती है, देखो बेटी, तुमने मुझे बचाया है ना, इसीलिए मेरी तरफ से छोटी सी सहायता समझो, तुम ये सोना ले जाकर अपने पिता के दुख दूर कर दो और सुख से रहो। ये सुनकर बूजी उस जादुई मछली का धन्यवाद करके सारा सोना घर लेकर जाती है और अपने पिता को सारी बात बताती है। इस तरह उस सोने से उनके दुख दूर हो जाते हैं। बाप बेटी फिर से आराम से जिंदगी जीते हैं। पैरनपल्ली नाम का एक गाँव है। उस गांव में लोग पहले बहुत शांति से रहा करते थे, लेकिन अब उस गांव में तीन दुष्ट आसामी आ गए थे, कोटैया, सुरैया और वरालू, जो गांव के लोगों की खेती की जमीन के मालिकों को डरा धमका कर उनके खेत अपने नाम कर रहे थे। एक दिन तीनों दुष्ट बैठकर बात कर रहे होते हैं, तब कोटैया बड़े मजे से, क्यों भाई, हर कोई इस तरह हमसे डरता रहे तो मजा ही क्या, बताओ। सही बात है कोटैया, जोर से आवाज होने पर भागने वाले पक्षियों की तरह गांव के लोग हमें देखते ही डर के मारे जमीन के कागजात हमारे नाम कर देते हैं, इसमें कोई मजा ही नहीं आ रहा है। ऐसा है तो हम एक काम करते हैं, बहुत पहले हमारे गांव में राघविया नाम का एक हेडमास्टर रहता था, उसके खेत यही है जिसे उसने बटाई पर दे रखा है, वो जमीन उससे छीन लेते हैं, क्या कहते हो आप लोग? अरे पागल, जो गांव छोड़कर चला गया उसकी जमीन हड़पना कोई बड़ी बात नहीं है,
आज नहीं तो कल, वो खेत हमारा है। इनकी बातों को नौकर सुनकर बटाई वाले किसान को बताता है और वो किसान जाकर हेडमास्टर को सारी बात बता देता है। तब उनकी बेटी सरोजा खेतों को देखने के बहाने गांव आती है। तब तीनों फिर से बात करते हैं। क्यों भले मानूस, मैंने कहा था ना तो तुमने अनसुना कर दिया, पर अब उस राघवैया की बेटी आ गई है जो खूब पढ़ी लिखी है, सुना है बहुत दिमागी भी। क्यों वीरन ना, हम उससे शादी करने जा रहे हैं क्या? वो लड़की जैसी भी हो, हमें क्या, उसे बताना ही पड़ेगा कि हम क्या हैं। क्या कहते हो कोटैया? ये हुई ना बहादुरों वाली बात, कोटैया बोला। दो दिन बाद सरोजा को बुलाकर वो तीनों खेत उन्हें सौंपने को कहते हैं। तब वो बड़ी हिम्मत से उनसे जवाब तलब करती है। हम क्यों खेत छोड़कर जाएं? ये मेरे पिता की मेहनत की कमाई है, उनकी कमाई से ज्यादा हमें पिता की मेहनत पर गर्व है, इसीलिए हम नहीं छोड़ेंगे, इस तरह कहकर चली जाती है। वो लोग उसको राजी करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रहती है। तब वो तीनों सरोजा को मार कर खेत ले लेते हैं। सरोजा भूत बन जाती है और सोचती है, दुष्टों, हमारी मेहनत की चीज छीनने के लिए हमें ही मरवा दिया, तुम लोगों को सबक सिखाती हूँ। वो अपनी शक्तियों से एक सुंदर लड़की बन जाती है और वो तीनों उसके मुंह में फंसकर एक जगह इकट्ठा होते हैं। तब वो दो खंभों के बीच आग लगाकर उन तीनों को बीच में एक जलती हुई लकड़ी पर लटका देती है। तब वो तीनों, माता जी आप कौन है? पता नहीं, हमें छोड़ो। हाँ बोलिए, हम लोग बहुत अच्छे हैं, आपसे जरूर कोई भूल हुई है जो हमें यहाँ ले आई। चुप रहो दुष्टों, तुम्हें कौन नहीं जानता कि तुम कौन और कैसे हो। मैं गांव वाले राघवैया की लड़की सरोजा हूँ, बहुत दिनों से मजा नहीं आ रहा था ना, आप देखो मरने में कितना मजा आएगा। ये सुनते ही तीनों डर जाते हैं। तब उसका भूत उनको आग पर जलाकर खूब सताकर जान से मार देता है और उन्हें आग में ढकेल देता है। इस तरह गांव को इस परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाती है। तब से गांव के लोग बिना कोई परेशानी के रहने लगते हैं। जो उन तीनों से परेशान होकर गांव छोड़कर चले गए थे वो भी वापस आकर आराम से उस गांव में अपना जीवन बिताते हैं।